हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अब चलते हैं डॉक्टर के, और वंदना के डैडी भी जा रहे। तो चलिएगा, वंदना के डैडी जाएंगे लेके। वंदना गई हुई है स्कूल में, और घर का बाकी का सारा काम ख़त्म कर दिया, सारा काम कर लिया। और अब जो जाना है डॉक्टर के, और टाइम हो चुका है 10:30 से ऊपर हो गए। तो चलिएगा फ्रेंड, डॉक्टर ने भी आ जाएगी तब तक। और अब हम चलते हैं डॉक्टर के। तो फ्रेंड्स, वंदना के डैडी का आज टाइम लगा है। तो आज गए थे हम अल्ट्रासाउंड कराने, और अल्ट्रासाउंड करा के आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो सब कुछ ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आप सभी को अपनी रिपोर्ट कैसी आई है। वैसे तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बस थोड़ा सा कमजोरी है। तो डॉक्टर ने खाने पीने का ध्यान रखने को बोला है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का धन्यवाद। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैं अल्ट्रासाउंड करा के आ चुकी हूँ, और मैं दिखाती हूँ क्या आया है मेरी रिपोर्ट में। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, मेरी रिपोर्ट ना बिल्कुल नॉर्मल आई है। वैसे तो डॉक्टर ने बोला है मैं भी ठीक हूँ, और बच्चा भी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी और मेरा बच्चा भी स्वस्थ है। और फ्रेंड्स, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो मैं दिखाती हूँ आपको, वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी डॉक्टर ने बोला है थोड़ी सी शरीर में कमजोरी है, अपना खाने पीने का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अपना खाने पीने का ध्यान रख रही हूँ, मगर मुझे ना उल्टी हो जाती है, तो इसीलिए वो कुछ भी खाना पच नहीं पाता, इसलिए मुझे खाने का भी मन नहीं करता। जब उल्टी हो जा फिर उसके बाद में तो मुझे बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं करता। तो इसलिए मैं खाने की कोशिश तो करती हूँ, मगर खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, जब मेरी उल्टी बंद हो जाएगी अब तो तभी कुछ खाने का मन करेगा। वैसे तो डॉक्टर ने बोला है जब खाओगे तभी बच्चा ग्रो करेगा, तो इसलिए मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ, और फिर भी उल्टी लगने का मन रहता है बार बार। तो डॉक्टर ने बोला है तीसरे और चौथे महीने में तो ऐसा ही रहता है। ये चौथा मंथ चल रहा है मुझे 20 तारीख से। तो फ्रेंड्स, चौथा मंथ चल रहा है, और डॉक्टर ने बोला है इस महीने और ऐसी दिक्कत रहेगी उल्टी वगैरह की, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो वैसे तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो ये देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, सब कुछ ठीक है, बच्चा भी ठीक है, स्वस्थ है। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, सारी रिपोर्ट वैसे नॉर्मल आई है, इसमें ना थोड़ा दुधला दुधला दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी पाल फैमिली के ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। खाओगे ठीक है? मैं कह रहा चाचा जी निकाल लो बाहर, इसको जाने की तैयारी बस।